कहाँ से आए हैं सर आप? साधुराण। कहाँ पे पड़ता है ये? कौड़ीराम से 9 किलोमीटर आगे, उत्तर प्रदेश में। हाँ हाँ। तो ये बताइए कि यहाँ के बारे में आपको कैसे पता चला कि हम यहाँ से लेकर के शुरुआत कर सकते हैं अपने गोट फार्म? हमारे बगल में एक मुर्गी फार्म किए थे। अच्छा। तो उन्हीं से संपर्क हुआ तो बताया कि हमारा बढ़िया चल रहा है तो हम आए। तो इनमें से कौन कौन सा नस्ल का आप लिए हैं? तो 3 वैरायटी लिए हैं। अच्छा। 20 गोट फार्म अभी शुरुआत कर रहे हैं? अभी शुरुआत, पहली बार। कितने बकरियों से आप शुरुआत कर रहे हैं? अभी तो 10-15 बकरी से कर रहे हैं। अब बहुत सारे ऐसे किसान हमारे देश में हैं जो उनके मन में बहुत सारा हेजिटेशन होता है कि हम गोट फार्मिंग क्या करें, कि इनको छोटे स्तर पे देखते हैं, तो उन किसानों को आप क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, छोटे स्तर पर कोई भी काम हो, वर्क कोई हो, छोटे स्तर पर मत देखो, क्योंकि हमारा उसी से जो चल रहा है, तो हमको छोटा नहीं, बिजनेस कोई भी हो हमको छोटा नहीं। सर का रिस्पांस कैसा मिला यहाँ से आप ले जा रहे हैं फार्म, तो अपने खोलने के लिए, फार्म खोलने के लिए, तो सर का रिस्पांस कैसा मिल रहा है? ठीक मिल रहा है, रेट सही से लगा रहे हैं? हाँ हाँ, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद सर इतनी सारी जानकारी देने के लिए आपको। दोस्तों, हौसले फतह की बुनियाद होती है। अगर आपके पास हौसला है, अगर आपके पास जुनून है कुछ करने की, कुछ बनने की, तो सफलता आपको एक न एक दिन जरूर मिलेगी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार सिंह, आप देख रहे हैं मंथन एक नई सोच। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोट फार्मिंग के बारे में। आज मैं जिस जगह पे उपस्थित हूं, ये जगह का एग्जैक्ट लोकेशन है उत्तर प्रदेश, और ये गोरखपुर में करजहाँ चौक के पास स्थित है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले, हमारे साथ मौजूद है सर जो यहाँ से गोरखपुर से बनारस तक के इनकी गाड़ियाँ जाती है, और यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत बच्चे आप देख सकते हैं जो कार के बहुत सारे नस्ल के इनके पास अवेलेबल है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कुछ जानकारियाँ सर से लेते हैं। सब स्वागत है सबसे पहले आपका हमारे चैनल में। आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को थोड़ा सा दीजिए। सूरज जी हैं, सूरज कुमार नाम हुआ जी। जी हाँ। तो एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ का बता दीजिए। गोरखपुर करजहाँ चौराहे नखलो बाईपास के नीचे देवरिया रोड जी। सर कौन कौन सा नस्ल का आप ये बकरियों का बच्चा रखे हुए हैं, और बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आप रखे हुए हैं, तो ये कौन कौन सा नस्ल का है थोड़ा सा बताइए? सर ये सिरोही का है, बीटल है, अजमेरी है, गुजरी है, राजस्थानी नस्ल है। राजस्थानी नस्ल जी हाँ। तो आप ये कहाँ से कहाँ लेकर के जाते हैं, और कैसे कोई भी कस्टमर अगर लेना चाहेंगे, कोई भी हमारे किसान भाई अगर लेना चाहेंगे तो कैसे ले सकते हैं, कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं? कॉन्टेक्ट नंबर दिया जाएगा, उससे संपर्क करें। गोरखपुर टू बनारस माल आता है, गोरखपुर साइड हो गए, बस्ती हो गया, मऊ हो गया, आजमगढ़ हो गया, सिद्धार्थनगर, खुशीनगर, ये सब उपलब्ध हो जाएगा हाथा में। गोरखपुर साइड के गोरखपुर वाले फोन लगा के कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो बनारस साइड में हमें ये बताइए कि बनारस साइड में के जो कस्टमर होंगे, जो भाई होंगे किसान भाई, वो कैसे लेंगे, वो कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं? नंबर दिया जाएगा, नंबर संपर्क होगा बनारस में, मेरा राजा तालाब पे अड्डा है, वहीं पे आते जो बनारस का साइड का, वो बनारस साइड का कॉन्टेक्ट कर सकता है, फोन करके आ सकता है। कोई अगर अपने यहाँ फार्म खोलना चाहे तो सर, अगर 10 बकरियाँ या फिर 10 खस्सी इस तरीके का अगर लेना चाहे, काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत खसी है आपके पास, तो इस तरह का अगर खसी भी लेना चाहे तो क्या उनको 10 पीस या 5 पीस या फिर 15 पीस इससे ज़्यादा में अगर लेना चाहेंगे तो उनको अवेलेबल करा सकते हैं क्या? जी हाँ, मेरा ये होता है 20 ऊपर रहेगा आपका घर तक पहुंच जाएगा, कम लोग है, 10 है 15 है 5 है, वो मेरी जगह पर आना पड़ेगा। गोरखपुर साइड का गोरखपुर आना पड़ेगा, बनारस साइड का बनारस आना पड़ेगा। एक केजी के हिसाब से मिलता है, 15 किलो से 20 किलो तक का माल होता है, 450 रुपये केजी के हिसाब से मिलेगा। तो सर हम ये देख रहे हैं कि अभी आप बगीचे में हैं, तो सर हमें ये बताइए कि आपका गाड़ी यहाँ पे लगा हुआ है, तो जो लोग अभी के टाइम में या फिर इस समय में आएंगे वही तो ले सकते हैं? ये कि कोई अगर 5-10 बकरियाँ अगर अपने घर पे मंगवाना चाहेंगे, जो भी किसान भाई छोटे किसान भाई होंगे, अगर 10 बकरियाँ ले जा करके अपने घर पर शुरुआत करना चाहेंगे, तो क्या उनको आप अवेलेबल उनके घर पर होम सर्विस कर सकते हैं क्या सर? होम सर्विस तो हो जाती है, पर 20 से 20 प्लस रहता तब घर तक पहुंचता। 5-10 लेना है, जहां पे हम बुलाएंगे वहां पे आना पड़ेगा। जैसे 20 पीस अगर कोई लेता है तो आप होम डिलीवरी कर देंगे उनको, घर तक पहुंचा देंगे? जी। तो कोई अगर फार्म की शुरुआत करता है तो सर उनको जाहिर सी बात है कि बकरियों की भी आवश्यकता होगी, और उनके पास ब्रीडर की भी आवश्यकता होगी उनको। जी। तो ब्रीडर भी इस तरीके का भी बकरियां और ब्रीडर जो लोग अगर चाहेंगे कि हम लेना चाहेंगे तो उनको मुहैया करा सकते हैं क्या सर? मेरे पास 3 से 5 महीने तक का बच्चा मिलता है, बड़ा माल नहीं मिलेगा,
बड़ा बड़ा माल नहीं देते हम, 3 से 5 महीने तक के बच्चे देते हैं राजस्थानी वाले, 15 kg से 20 kg तक होते हैं, ये 450 kg के हिसाब से पड़ता है। कौन कौन सा नस्ल बताए थे सर, एक बार और हमारे दर्शकों को बता दीजिए। ये सिरोही है, बीटल है, अजमेरी है, गुजरी है, जो मार्केट मिलता है वो लेके आते हैं। ज़्यादातर इधर गोरखपुर और बनारस साइड में सिरोही, बीटल, अजमेरी ये चीज़ सक्सेस है। क्या क्या रेट में मिलता है, कैसे कोई भी लेना चाहे तो क्या रेट में मिलता है ये बताइए थोड़ा सा। ये केजी के हिसाब से 450 रुपये केजी के हिसाब से पड़ता है। 450 रुपये केजी? जी हाँ। ये सारे नस्ल के बारे में आप बात कर रहे हैं फिर किसी और? जो जो मेरे पास 3-4 नस्ल बताए एक ही रेट है, मेल फीमेल सेम रेट है, सबका एक रेट है। जी हाँ जी। तो कोई भी किसान भाई अगर अपने घर पे शुरुआत करना चाहे, ये बताइए सर कि इनको खाने में, इन बकरियों को खाने में क्या क्या देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो काफ़ी संख्या में लोग ब्लैक बंगाल की पालन करते हैं अपने गांव का, अपने क्षेत्र का जो बकरियाँ हैं तो ब्लैक बंगाल का पालन करते हैं, तो उनको हरा चारा या फिर चराई पर भी बहुत सारे लोग रखते हैं या फिर स्टॉल फीड पर जोकर भूसा भी दे करके रखते हैं, तो क्या इनको किस प्रकार के खाना इसको देना होगा? जो ब्लैक बंगाल देसी वाला खाता है ये भी खाएगा, गेहूँ का भूसा हो गया, चना का भूसा हो गया, गेहूँ हो गया, मक्का हो गया, रोटी हो गया, हर चीज़ खाता है, चरेगा भी, पत्ता भी खाएगा, नीम का, बरगद का, कटेल का, हर चीज़ खाता है। क्या वेट अगेन करती है सर, इसको बताइए थोड़ा सा कि अगर 3 महीने अगर कोई भी किसान इसको पालन करता है तो क्या इसका वजन में क्या होगा, कितना वृद्धि होगा? ये 1 साल में तैयार हो जाता है तो 50-60-70-65-60 ऐसा हो जाता है, 50 kg से प्लस होता है। तो उस टाइम में क्या रेट में बिकेगा अगर कोई लेगा तो, 3 महीने या फिर 6 महीने अगर पालन करता है उसके बाद अगर बेचना चाहे तो किस रेट में बिकेगा उसको? तो उसको जैसा उसके तरफ मार्केट हो उसी हिसाब से बिकेगा। अगर मेल लिया है तो उसको घर पे रखेगा, फीमेल लिया है तब भी घर पे रखे। मेल ऐसा होता है जैसे वो दांत निकलता है तो वो कुर्बानी के हिसाब में थोड़ा ठीक बिचता है, नहीं तो फिर जैसा आपकी इधर मार्केट हो उसी हिसाब से बिचेगा। जैसे कुर्बानी के पर्पज़ से बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि हम 1-2 बकरियाँ बकरों को लेकर के पालन करें, शौकिया किसान उनको कह सकते हैं, तो क्या उन लोगों को भी आप अगर यहाँ पे आना चाहे तो उनको आप दे सकते हैं? जी हाँ जी हाँ जी हाँ, 1, 2, 4 जितने भी लेने हो गोरखपुर बनारस जहाँ पर मेरा मेंटिया है वहाँ पर आके लेके जा सकते हो। सर बहुत सारे बीमारियों के बारे में भी लोग जो है कहते हैं कि बीमारी हमको ये लग गया, यहाँ से लाएं तो ये बीमारी लग गया, तो ये बीमारियों के बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये जो ले जाएंगे यहाँ से तो उनको किसी प्रकार का अगर बीमारी लग जाता है उनके बकरों में तो कैसे उनको सही करेंगे? बीमारी के लिए वैक्सीन लगता है PPR का, वो बीमारी के लिए, रोग के लिए वो एक लगवाना पड़ता है, और कोई दिक्कत नहीं आता। थोड़ा जानवर है राजस्थान से आया है आपके इधर आया, थोड़ा पानी चेंज होता है, थोड़ा उसका देखभाल करना पड़ता है, ये चीज़ होता है। PPR का जो वैक्सीन है ये कहाँ पे मिलेगा और कैसे लोग इसको लेकर के अपने यहाँ लगा सकते हैं सर? ये जानवर वाला अस्पताल होता है वहाँ पे मिलेगा, जानवर वाला डॉक्टर होगा उसके पास मिलेगा, उसको बोल दो वैक्सीन लगवाना है वो लगा देगा। तो किसान भाई अच्छा हर जगह मिलता है? जी हाँ, कहीं से भी कोई भी मतलब नज़दीक के मेडिकल कहीं पे अगर है तो वहाँ से लेकर के अपना कर सकते हैं, अपने हाथ कोई भी दवा दुकान में मिल जाएगा। जी जी हाँ, अपने हाथ से भी लगा सकते हैं, डॉक्टर से भी लगवा सकते हो। अभी हम देख रहे हैं कि सर आपके यहाँ जो है हरी पत्ती आप दे रहे हैं तो ये किस चीज़ का पत्ती है, और हमारे यहाँ तो नेपियर लोग देते हैं लेकिन ये जो हम एक नया तरीके का पत्ती देख रहे हैं तो ये क्या है? ये पत्ती इसलिए लाते थे सर, कहीं हमने माल उतारा, कहीं बारिश हो रहा, कुछ हो रहा है तो ये खिलाने पिलाने के लिए, नाश्ता पानी के लिए इनके लाते हैं। तो वहीं से आप राजस्थान से ही ले लेते हैं? जी जी हाँ, वहीं से लाते हैं, यहाँ पे उतार देंगे, किसी का पेड़ काट देंगे वो चिल्लाएगा, इसलिए ये काम नहीं करते ना, अपना थोड़ा चारा लेके आते हैं खिलाने के लिए। तो दोस्तों अगर आप गोरखपुर साइड से हैं या फिर यूपी में कहीं से हैं, यूपी से गोरखपुर से लेकर के ये बनारस तक जाते हैं और इनके बीच में अगर आप स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, अगर यहाँ का आप रहने वाले हैं तो यहाँ से आप ले सकते हैं इनसे। बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे बकरिये के छोटे छोटे बच्चे हैं जिनमें खसी भी है, बकरियाँ भी हैं। अगर आप जिस भी प्रकार का लेना चाहते हैं, जौन सा ब्रीड आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल सर से संपर्क करके ले सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर रहेगा। ये सिरोही का है सर? सिरोही का है जी हाँ। इसका कितना वेट होगा? ये होगा 16-17 kg होगा सर। 16-17 kg जी हाँ, मेल है। क्या क्या प्राइस होगा सर इसका? ये 450 रुपये kg के हिसाब से। 450 रुपये kg के हिसाब से। और बताइएगा सर इसके बारे में, बताइएगा। ये सर बीटल है। बीटल है, बीटल नस्ल का है। 3 महीने में इसका कितना वेट होगा सर? ये 3-4 महीने का, ये 15-14 kg का वजन होगा। कितने दिनों का बच्चा है ये? 3-3.5 महीने का होगा। 3.5 महीने का। इसका क्या रेट होगा सर? ये भी सेम रेट है, 450 रुपये kg। 450 रुपये kg जी हाँ। और उजला वाला सर उसको लाइएगा, प्रोजेक्ट है जी हाँ।
सोजत का क्रॉस है। जी हाँ, कितना वेट होगा सर ये? 18-19 के जी का होगा सर। 18-19 के जी। अगर इस तरीके का कोई भी किसान अगर लेना चाहे, 5 या 10 लेना चाहे खस्सी, तो आप उनको दे सकते हैं? जी हाँ जी हाँ।